फाइनली शाहरुख खान की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी पठान का टीजर आ चुका है। शाहरुख खान की ने इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड एंड वेटेड मूवी पठान का टीजर आ चुका है। एंड ये मूवी इंडिया की स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, जो कि YRF बना रहा है, जिसकी आई हुई मूवी थी एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है वार आ चुकी है, अब आ रही है पठान नेक्स्ट ईयर, टाइगर 3 आ रही है एंड वार की सीक्वल एक मूवी आने वाली है नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। एंड आज जैसा कि हमारे SR के शाहरुख खान का बर्थडे था, उसी दिन का टीजर दिया गया। टीजर लिटरली बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा, जिस तरह से एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए, जिस तरह से पूरी ट्रेलर को दिखाया गया, एकदम डार्क गोर, एकदम ब्लडी ब्लडी चीज दिखाई गई, एकदम खून से भरा हुआ SRK का चेहरा, SRK की बॉडी, मतलब इतने अच्छे से SRK के ऊपर फोकस करती है ट्रेलर, जो कि देख के दिल खुश हो जाता है। मतलब इतने साल, लगभग 4 साल बाद हमारे SRK अच्छी तरह से थिएटर में आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र में वो आए, मतलब 15-20 मिनट का कैमियो था, उतना इंपैक्टफुल नहीं था। हाँ, उन्हीं का जो रोल था वो सबसे बेहतरीन लगा मुझे ब्रह्मास्त्र में। खैर, अब उन्हें पूरे 2-2.5 घंटे में देखने को मिलेगा थिएटर, मतलब उनकी जो मूवी आ रही है लिटरली 2-2.5 घंटे की तो होगी भाई, एक्शन मूवी है, इंडिया की मूवी है, तो भाई 2.5 घंटे तो लिखे हुए हैं, 2.5 घंटे आराम से एंजॉय करो SRK को थिएटर। देखो, ट्रेलर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं बढ़ा, जितना हाइप था उतना ही रखता है, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया ट्रेलर लिटरली प्रॉमिसिंग था। कहानी ना बताते हुए बहुत कहानी बता दी जाती है। बताया जाता है कि भाई पठान नाम का एक इंडियन स्पाई रहता है, वो विदेश में जाता है कोई मिशन पे, लेकिन वहां पे वो पकड़ा जाता है एंड इंडियन गवर्नमेंट सोचती है वो मर चुका है, लेकिन भाई अपना पठान जिंदा है। एंड पठान के पकड़े जाने में भी हमारे मूवी का एंटागोनिस्ट जॉन अब्राहम भैया का हाथ होगा, जो की देशद्रोह किए होंगे। मतलब देश को, इंडिया को नहीं पता कि भाई उसने देशद्रोह किया, लेकिन पठान को पता होगा, जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगा। वो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दूसरे देश को दे रहे होंगे, जो कि हमारे सिक्योरिटी ब्रीच कर सकती है, हमें नष्ट कर सकती है, हमारे इकोनॉमी को हर तरह से हमें तोड़ सकते हैं, वो चीज वो देने वाले होंगे, उसको पठान रोकेगा। एंड ट्रेलर में दीपिका पादुकोण मस्त माल लग रही है, मतलब आई मीन टू से बवाल लग रही है भाई, मतलब हमको बॉयकॉट मत करना, लेकिन भाई माल लग रही है। मूवी लिटरली ब्रूटल होने वाली है, एक्शन VFX एकदम जबरदस्त लग रहे हैं, जिस तरह से VFX दिखाया गया। एंड शाहरुख खान की मूवी और VFX खराब हो, ऐसा हो नहीं सकता। रावण भी आई थी अभी, आदि पुरुष से ज्यादा अच्छा उसके VFX है। मतलब शाहरुख खान जिस मूवी में VFX खराब नहीं होगा, जीरो को देख लो उसकी VFX, इतने बड़े बंदे को छोटे रूप में दिखाना, उसका VFX कहीं पर गंदा नहीं लगता है। एंड इस मूवी का VFX तो एकदम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लगा मुझे, मतलब जिस तरह से एक्शन सेट पीसेस दिखाए गए, वो एक बंदे को ऐसे लात मारते हैं, वो उड़ते वो नहीं रहता, कोई और बंदा ऐसे जाता है दीवार में मारता है, बम फटते हैं, वो सीक्वेंस मुझे इतना ज्यादा जबरदस्त लगा, कुछ बोल नहीं सकता। मतलब वही था जो कि मोमेंट है लास्ट वाला, जब वो जेट प्लेन लेके छोटा सा पीठ पे लेके ऐसे उड़ते हैं कार्टून वगैरह में जैसे दिखाया जाता है, वो सीन मुझे अच्छा लगा। एंड हालांकि ट्रेलर में ऐसा कोई चीज या फिर कोई डायलॉग नहीं बोला गया जो कि आपको बहुत ज्यादा गुजबंप मोमेंट दे, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ मूवी के लिए, एक्सट्रीमली हाइप्ड कर, ऐसा कुछ नहीं था। एंड मैं इस दिल से बोल रहा हूं भाई, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बेस्ट नहीं थी, लेकिन जो चीज था वो भाई मजा देता है मुझे। भाई SRK का लुक बहुत ही जबरदस्त है, वो पूरा खून से भरा हुआ चेहरा, पूरे ट्रेलर में SRK के चेहरे पे खून था, अगर आपने नोटिस किया हो तो, एक भी जगह ऐसा नहीं था जहां पे SRK के चेहरे पे खून ना हो। हर एक उनके सिर पूरा शरीर खून से भरा हुआ था, कपड़े से लेकर चेहरा पूरा खून से भरा हुआ था। एंड जो मैक्सिमम शॉट्स हैं वो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट से उठाए गए हैं, जिसके कारण मूवी ज्यादा स्पॉइल नहीं होती। हाँ, एक शॉट था वो गाड़ी वाला, जो कि ऑलमोस्ट इंटरवल के टाइम का होगा, एंड वो जो जेट वाला था वो ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स के टाइम का शॉट होगा, वो देखने से फील हो जा रहा है। आप विश्वास नहीं करो तो मूवी देखना, फिर आगे बताना मुझे कि भाई मैं सही बोल रहा था या फिर गलत। देखो, ऐसा नहीं है भाई, ट्रेलर में बहुत सारी, मतलब देखो ट्रेलर में तो कुछ कमियां नहीं थी, लेकिन मुझे मूवी को लेकर स्केप्टिकल नेस है कि भाई स्पाई के ऊपर मैंने बहुत सारी मूवी देखी, हॉलीवुड से हो, बॉलीवुड से, हर जगह से, हम हर इंडस्ट्री से देख लिया, लेकिन इसमें ये क्या नया करते हैं। एक्शन के मामले में तो नहीं होगी, VFX में एकदम जबरदस्त, लेकिन कहानी के मामले में हमें क्या नया देते हैं। एक यूनिवर्स जब तुम बना रहे हो तो कुछ कहानी में ऐसा हो जाए, हर कहानी से एक नई होनी चाहिए, एक मिशन लेवल अप होना चाहिए, जिस तरह से मिशन इम्पॉसिबल में होता है, हर एक मिशन एक मिशन से लेवल अप होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ये कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें देखने वाली रहेगी। बाकी मुझे ट्रेलर बहुत बवाल लगा। मूवी में SRK का सिर्फ एक ही डायलॉग बोला जाता है, अगर कुछ और भी बड़े अच्छे खासे कुछ छोटा मोटा और डायलॉग दिया जाता तो ट्रेलर और ज्यादा बेहतरीन हो सकता था, जिसमें एक डायलॉग था जो कि मुझे अच्छे से याद है, पठान मर गया है या जिंदा है। वो सुनकर लिटरली गूज़बम्स आया, वही मोमेंट है भाई, एकदम गूज़बम्प मोमेंट है ट्रेलर में, और कोई ज्यादा खास गूज़बम्प मोमेंट नहीं देती। हाँ, एक्शन सेट पीसेस लार्जर देन लाइफ लगते हैं देखने में, वो आपको मजा देंगे, वो आपको अनरियलिस्टिक लग सकते हैं, बहुत लोग भाई ये क्या साइंस फिजिक्स सबको सबकी मार रहा है, लेकिन भाई अगर वो आपको मजे दे रहे हैं तो साइंस गई तेल में आपको मजा दे रही है, मतलब सिर्फ मजे के हिसाब से। तो भाई सिनेमा देने को अगर वो मजा नहीं देती है, क्या फायदा उसे सिनेमा का। अब मूवी में ये देखना है कि दीपिका पादुकोण का रोल कितना महत्वपूर्ण होने वाला है मूवी के लिए, एंड जॉन अब्राहम भैया क्या नया प्रस्तुत करते हैं एंटागोनिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि भाई वो एंटागोनिस्ट SRK के विरुद्ध खड़े होंगे, तो भाई वो क्या नया दिखाते हैं हमें, क्योंकि भाई दोनों का टक्कर देखने में मजा तो आएगा। एंड देखो, मेरा दिल यही बोल रहा है SRK का मूवी है तो मजे देगी। आप अपने ओपिनियन कमेंट कर बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा। मुझे तो भाई एकदम जबरदस्त लगा, मतलब मैं एकदम दिल खुश हो गया भाई, जितना वेट था जितना एंटीसिपेशन था, ठीक है पे ऑफ करती, हाँ थोड़े बहुत अपने गूज़बम्प मोमेंट देने में फीकी पड़ जाती है, लेकिन और बॉलीवुड की मूवी से ज्यादा मजा दिया। अगर आपको मजा दिया और भाई कमेंट कर देना, एंड आपको अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगा या फिर कुछ भी अच्छा लगा या फिर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा भाई प्लीज सब्सक्राइब ठोक देना यार, पठान का रिव्यू आएगा इसके ऊपर बात भी करेंगे, अभी और कुछ वीडियोस आएंगे इसको लेके, स्पाई यूनिवर्स एक्सप्लेन करते हैं, मतलब भाई बवाल मचने वाला है इस मूवी से लेके। एंड यही है जो कि बचा सकती है बॉलीवुड को।